एंड सिंध बैंक में लिख ली है वैकेंसी। देखो तो क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री मांगी है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो। नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके, और आप सबको गुड मॉर्निंग। लॉ की वैकेंसी बताऊंगा, बैंक में लिख ली है, परमानेंट जॉब है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी है और टोटल वैकेंसी 8 है, और स्पेशलिस्ट ऑफिसर की होती है, एसओ की वैकेंसी रहती है। और आरजेएस का आज पेपर कंप्लीट हो गया है, आरजेएस का मेंस कंप्लीट हो गया है, 2 दिन चलता है। मैंने व्लॉग भी अपलोड किया है, जितना मेरे से हो सका मैंने बनाया है वीडियो आरजेएस मेंस का, और उसमें मैंने पेपर के बारे में बताया, प्रैक्टिकल चीज़ बताई है, फ्यूचर में आपके काम ही आएगी। जो भी आरजेएस की तैयारी कर रहा है प्री के लिए, मेंस के लिए, कैसे आपको पढ़ना चाहिए, उस व्लॉग में मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करी है। पेपर बहुत डायरेक्ट आया था, और देखो राजस्थान में ऐसा ही पेपर आता है, सिविल का डायरेक्ट क्वेश्चन ही आता है हमेशा, मैंने यही देखा है, बट क्रिमिनल का प्रैक्टिकल बेस आया करता था, बट इस बार वो भी डायरेक्ट आया है। तो एक बार आप व्लॉग देखो, आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। और कुछ बच्चे आरजेएस मेंस का पेपर मांग रहे हैं, पेपर मिलता नहीं है, हो सकता है उन्होंने कभी दिया नहीं आरजेएस में, इसलिए मांग रहे हो, पेपर नहीं मिलता, उसी में अपन को आंसर लिखने पड़ते हैं, वो चले जाते हैं, वही चेक होगी, पेपर वेपर नहीं मिलता, प्री का मिल जाता है पर आरजेएस मेंस का नहीं मिलता। अब अपन इस वैकेंसी की बात करते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक में लिख ली है वैकेंसी, और 31/8/2024 को आया है, और 15/9/2024 की लास्ट डेट है, ठीक है। पोस्ट की बात कर लेते हैं, इसे वैकेंसी बहुत सारी लिख ली है, टोटल 213 वैकेंसी है, बट अपनी लॉ की वैकेंसी 8 है इसमें। और देखो JMGS 1, MMGS 2, MMGS 3 और ये 4, इसमें ये क्योंकि इसमें लिखा हुआ है पे स्केल और बाकी चीज़ें भी बता रखी हैं, तो इसलिए देख लो कैटेगरी वाइज टोटल 8 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर लॉ की वैकेंसी है। और वैसे इसमें 213 वैकेंसी है, अगर आप जनरल से फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फिल कर सकते हो, ग्रेजुएशन मांगते हैं, बट लॉ की अलग से 8 वैकेंसी आई है इसमें। देखो इसमें एज बता रखी है, ये फोर्थ वाली जो मैं आपको बता रहा था 28 से 40 साल होने चाहिए हो, थर्ड वाले में 25 से 38 साल के होने चाहिए हो, सेकंड वाले में 25 से 35 के होने चाहिए हो, और एक फर्स्ट वाले में 20 से 32 के होने चाहिए हो। और एज रिलैक्सेशन भी है 5 साल का एस सी एस टी वालों के लिए, और ओबीसी वालों के लिए 3 साल का है, फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 10 साल का है, एक्स सर्विसमैन वालों के लिए 5 साल का है। और देखो इसकी क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं, देखो क्वालिफिकेशन में लॉ की डिग्री मांगी है, चाहे 3 साल वाली हो चाहे 5 साल वाली हो, आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और 4 साल का एक्सपीरियंस हो लॉ ऑफिसर का किसी लीगल डिपार्टमेंट में, बैंक में, अगर ये नहीं है और वर्ड यूज़ किया है, 6 साल का एक्सपीरियंस मांगा है कोर्ट का। तो अगर किसी का कोर्ट का एक्सपीरियंस है, रजिस्ट्रेशन करा रखा है, मेंबरशिप ले रखी है, फॉर्म फिल कर सकते हो, फर्म का एक्सपीरियंस हो, बेसिकली आपने रजिस्ट्रेशन करा रखा हो और मेंबरशिप ले रखी हो, और 6 साल का एक्सपीरियंस हो अगर आप कोर्ट में काम करते हो, प्रैक्टिस करते हो, पर्सनल प्रैक्टिस करते हो, या आप किसी फर्म लॉ ऑफिसर मतलब बैंक में काम करते हो, PSU में काम करते हो, स्टेट सेंटर गवर्नमेंट में काम करते हो, तो उसमें 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। अगर कोई इसमें काम करता होगा तो स्विच क्यों करेगा, हाँ सैलरी और कोई इंक्रीमेंट चाहता हो तो करते हैं स्विच, बट इसमें पेपर हो रहा है। अब देखो पे स्केल लिख रहा की है, फर्स्ट वाली की है, 48,000 के आसपास से लेकर है इसमें पूरी पे स्केल लिख रहा की है, मैनेजर की लिख रहा की है 64,000 से लेकर, सीनियर मैनेजर की लिख रहा की है 85,000, अपनी सीनियर मैनेजर में भी पोस्ट है, चीफ मैनेजर की लिख रहा की 1 लाख के आसपास, प्रोविजन पीरियड भी है, बॉन्ड भरवाया जाएगा 2 साल का, 1 साल का प्रोविजन पीरियड भी है, परमानेंट जॉब है, बॉन्ड भरवाया जाता है आजकल बैंकों में, क्योंकि जो ट्रेनिंग में खर्चा होता है, किसी और चीज़ में खर्चा होता है, बहुत सारे लोग छोड़ के चल जाते हैं, तो आजकल गवर्नमेंट बॉन्ड भरवा ही रही है। देखो इसमें एग्जाम पैटर्न सिंपल है, हार्ड नहीं है, आप लोग अप्रोच कर सकते हो इस एग्जाम को, रिटन टेस्ट होगा और इंटरव्यू होगा, ठीक है। अब रिटन टेस्ट में इंग्लिश लैंग्वेज का होगा, जनरल अवेयरनेस का होगा, 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, तो जनरल अवेयरनेस के 20 क्वेश्चन ही आ रहे हैं 20 मार्क्स के, ज़्यादा वेटेज नहीं है, और इंग्लिश का क्वेश्चन है 20 मार्क्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, और पर्सनल नॉलेज अपने लॉ के होंगे 60 क्वेश्चन, ठीक है। मैक्सिमम मार्क्स 100 है, 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 ये ड्यूरेशन भी लिख रहा है कितने कितने मिनट के होंगे पेपर, इंग्लिश का 15 मिनट, जनरल अवेयरनेस का 30 मिनट, और 60 मिनट इसका होगा अपने लॉ वाले का। तो आप अप्रोच कर सकते हो, और
मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी लिख रखा है इंग्लिश लैंग्वेज में, जनरल अवेयरनेस है, और जो अपने लॉ का पेपर होगा 40% है EWS कैटेगरी और 35% है रिजर्व कैटेगरी के लिए। तो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स भी है और नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें, पर्सनल इंटरव्यू भी हो रहा है इसमें, सारी चीज़ें। जैसे नेगेटिव मार्किंग मुझे दिख नहीं रही, आप लोग एक बार पढ़ लेना, नोटिफिकेशन इसमें कहीं लिखा नहीं है। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो ये तो अच्छी बात है। फिर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट बता देता हूँ मैं, पंजाब एंड सिंध बैंक .co.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। हालांकि अभी मैंने ही इस वीडियो मतलब इस वैकेंसी के बारे में बताया, अब बन जाएंगे और वीडियो तो आपको पता भी चल जाएगा, जितना ज़्यादा हो सके पहुंच जाए लोगों को, पता चले कोई वैकेंसी आई है लॉ की तो फॉर्म फिल कर सके। अब लीगल एड में मुझे बहुत गाली पड़ रही है, जो मैंने 222 वैकेंसी की बताई थी ना, तो मुझे सब यही बोल रहे हैं कि तूने इतने फॉर्म ला दिए। मेरे दोस्त क्योंकि मिले थे अभी, RJS का मेंस था, नहीं तो इतने फॉर्म आते नहीं। हालांकि मैंने ही बताई थी, उसके बाद अदर यूट्यूबर्स ने बना लिया वीडियो, और नहीं तो उसमें 3-4 फॉर्म ही आए थे जब तक मैंने नहीं बनाया था वीडियो। उसके बाद भरमा रहे हैं, इंटरव्यू चालू हो गए हैं, जयपुर में भी सबके कॉल आ गए इंटरव्यू, कल भी इंटरव्यू है, मेरे तीनों जगह से आया है। मैं एक ही इंटरव्यू दे के आऊँगा, मैं एक्सपीरियंस के लिए दे के आऊँगा, मुझे सलेक्शन मिल जाएगा तो वहाँ मिल जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, एक जगह मैं दे के आऊँगा, किसी भी एक में दिया आऊँगा। मेरे तीनों जगह से कॉल आया इंटरव्यू, तो कल मैं 2:30 बजे बुलाया, तो काफ़ी लोग मिलेंगे भी कल मुझे, हो सकता है। अब आगे चलते हैं इसमें, देखो तो एग्ज़ाम सेंटर हर जगह आ रहा है इसका, सारी स्टेट में, यूटी में, आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, न्यू दिल्ली, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पांडिचेरी, पंजाब, राजस्थान में भी है, राजस्थान में जयपुर में आएगा, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश में भी है, उत्तराखंड में भी है, वेस्ट बंगाल में भी है। तो एग्ज़ाम सेंटर भी आपके हर स्टेट में आ रहा है, तो आपको एग्ज़ाम देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। फॉर्म है SC ST फिजिकल हैंडीकैप वालों के लिए 100 रुपये, टैक्स के चार्ज भी लगेंगे इसमें, और जनरल EWS OBC वालों के लिए 850 रुपये टैक्स का चार्ज भी लगेगा, और बाकी इसमें कुछ है नहीं ऐसे बताने का। तो लॉ की वैकेंसी बताई है मैंने आपको, चैनल पे लॉ की वैकेंसी आती रहती है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा लो। 15 तारीख इसकी लास्ट डेट है, 15 तारीख के बाद देख रहे हो वीडियो तो कोई मतलब नहीं है, 15/9/2024 इस महीने की 15 तारीख लास्ट डेट है, आज 1 तारीख है, RJS का मेंस था। हालांकि मैंने ये देख ली थी वैकेंसी, अब मेंस था, मैंने पहले ऑलरेडी ही वीडियो बना रखे थे, दो जो वीडियो आपने देखे हैं RJS मेंस के मैंने पहले ही बना के रख रखे थे, तो वो न्यूज़ पूरा मतलब 1-2 दिन लेट हो गई थी, पर मैंने वीडियो बना रखे थे उसी टाइम, तो मुझे तो अपलोड करने थे, तो इसलिए मैंने बना दिए और अपलोड कर दिए, और आपको पता भी चल गया। और यूपी में 2 सिविल जज को जो प्रेजेंट में थे उनको हटा के 2 सिविल जज बने अलग से, रिजल्ट अलग से आया, अगर देखा नहीं है तो देख लो न्यूज़ जाके। हालांकि मैंने उस पे वीडियो नहीं बनाया क्योंकि मैं RJS मेंस में बिजी था। वैकेंसी पे वीडियो आते रहते हैं, चैनल को सब्सक्राइब रखे, बेल आइकन दबा के रखे, और देखो क्या है, कभी कभी हो सकता है फ्रेशर की जॉब हो, कभी हो सकता है एक्सपीरियंस वाली जॉब हो, कभी हो सकता है दोनों की जॉब हो, तो मैं हर कैटेगरी की वैकेंसी कवर करता हूँ, और लॉ से रिलेटेड भी अपडेट देता हूँ, व्लॉग भी बनाता हूँ, एडवोकेट का लाइफस्टाइल का व्लॉग बनाता हूँ, हो सके कल का ही व्लॉग बना लूँ, APO का इंटरव्यू का व्लॉग बना लूँ, क्या बता, कल APO की वैकेंसी है, आप मानोगे नहीं, ऐसे ऐसे लोगों की अप्रोच आ रही है इस वैकेंसी के लिए, लीगल एड डिफेंस काउंसिल में बहुत हाई लेवल की अप्रोचें भी आ रही हैं, अब मैं बता नहीं सकता, नाम नहीं ले सकता, मैं तो जयपुर से हूँ, मुझे पता है क्या हो रहा है, तो आप सोच सकते हो कितनी अच्छी जॉब है ये। अब सोचोगे कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब है, पूरा सरकारी वकील का काम है, आपको सैलरी मिल रही है 25 से 45,000 पर मंथ, रेगुलर बेस्ड जॉब है, इतना वर्कलोड नहीं है। तो अगर अगर आपने फॉर्म नहीं फिल किया तो ये आपकी गलती है, मैंने सबको बता दिया, और ऐसा कोई वैकेंसी नहीं होती मैं छुपाता हूँ, मैं सारी वैकेंसी कवर करता हूँ, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो।